इंशाल्लाह देखेंगे आप कहाँ रुकेंगे। अभी आपने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की तो राजा भाई भी आ रहे हैं। अगर देखा जाए ना हलाल। चलो सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। करते हैं हम अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट। जा रहे हैं आज हम जम्मू भाई। आपको बताइए हमने गाड़ी लाई है नई 14 चक्का, तो उसमें अभी नंबर नहीं आया, तो हमने राजा भाई ने भी बोला आज पहले उसको जम्मू में 1-2 चक्कर मारेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी का नंबर भी जल्दी आएगा, तो उसके बाद आपको और कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जाएंगे भाई, अपना सफ़र रहेगा बहुत दूर दूर, क्योंकि आपको पता है 14 चक्का ज़्यादा दूर ही जाती है। तो करते हैं हम अपना व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू। तो हम राजा भाई की गाड़ी में बैठे हैं अभी। राजा भाई हम मेरी 14 चक्का लेके आ रहे हैं और साबिर भाई राजा भाई की गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी इसमें बैठ रहा हूँ, तो आगे पीछे आ रहे हैं राजा भाई भी, तो इंशाल्लाह आगे मिलेंगे कंटिन्यू। चलो भाई जी चल रहे हैं, हम पहुँच गए हम टोल के पास, अवंतीपुरा टोल के पास पहुँच गए। वो वहाँ से गाड़ी आ रही है भाई, राजा भाई की गाड़ी को लाइट दिखा रहा है। आ गए जी टोल पे हम, और हो गया अपना सफ़र यहाँ से भी कंटिन्यू। इंशाल्लाह आगे कानवाई में रोकेंगे तो देखेंगे कितने बजे छोड़ेंगे। तो बस बारिश है। हाँ साबिर भाई, गवर्नमेंट का रूल है कि मतलब 2 मिनट से ज़्यादा गाड़ी नहीं रोक सकते। अगर दो वही यार हमारा यहाँ गाड़ी फास्टैग के अंदर रुक गई तो मतलब टोल माफ है। कौन सुनता है भाई? कोई नहीं सुनता है, ड्राइवरों को तो कोई नहीं सुनता है भाई। हम बोल रहे हैं यार ट्रक ड्राइवरों की रेस्पेक्ट किया करो, क्योंकि आपको पता है भाई कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ ये माल पहुँचाते हैं। ट्रक ड्राइवरों की ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट, सब मैं बोलता हूँ सब ड्राइवरों की रेस्पेक्ट करो, मगर आपको पता है ट्रक ड्राइवर कितना करते हैं, कितनी मेहनत से बेचारे आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। हाँ ट्रक ड्राइवर अगर नहीं होगा तो समझो खाना पीना देश में बंद, जीना हराम हो जाएगा। बेशक वो तो पता है भाई, कफन तक ट्रक ड्राइवर लाता है, सब कुछ ट्रक ड्राइवर लाता है, सब कुछ लाता है भाई। मैं बोल रहा हूँ एक जगह से सामान उठाना दूसरी जगह लेना, इसीलिए बोलते हैं भाई होगा तो क्या करो, इसीलिए बोलते हैं हम ट्रक ड्राइवर की रेस्पेक्ट किया करो, सब ड्राइवरों की रेस्पेक्ट किया करो, मगर ट्रक ड्राइवर को ये ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि हम ऑल इंडिया घूमते हैं। हाथ की 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं होता, सब नहीं बोलते हैं कि हम लोग सही है, हमारे में भी कुछ गलत लोग है। बेशक इसका ये मतलब नहीं है कि एक की वजह से आप सबको ही मतलब खराब बोलो। तो जी जा रहे हैं हम इधर मीर बाजार, बाजार से होके गए हम दाएं साइड से, जो कि आगे क्या बोलते हैं भाई देवसर से मिलेगा, उसी उधर से जाएंगे क्योंकि गाड़ियां बहुत है, थोड़ा आगे जाएंगे। वो राजा भाई अपनी गाड़ी चला रहे हैं अभी, वो आगे आगे जा रहे हैं और मैं अपनी 14 चक्कर पे आ गया, और अपने साथ भाई आ गया साबिर भाई। साबिर भाई ठीक है? चलो भाई मिलते हैं आगे फिर से। और भाई चला रहे हैं हम अपनी 14 चक्का, जा रहे हैं हम जम्मू के ओर, तो इंशाल्लाह गाड़ी का नंबर आएगा उसके बाद हम जाएंगे आगे आगे, क्योंकि आपको पता है 14 चक्का ज़्यादा दूर ही जाती है, 14 चक्का में नज़दीक का माल में मज़ा नहीं है, मिलता भी नहीं है और उसमें मज़ा भी नहीं आता है। अब क्या ही करें घर में बैठ के, तो हमने सोचा जब तक नंबर आएगा तब तक गाड़ी वापस आएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई आगे मिलते हैं 14 दिन से। चलो जी रुक गए यहाँ पे, तो पालों से पीछे हम रुके तो इधर एक होटल मिला, तो बोल रहे भाई लोग कुछ खाएंगे वहाँ पे खाना वाना या कुछ और देखेंगे क्या मिलेगा, क्योंकि आज हमने गाड़ी में खाना नहीं बनाया भूख की वजह से थोड़ा। अब कुछ खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई? हो गए जी हम टनल में एंटर और चल रहे हैं हम भाई। जाम बहुत लगा है, क्या ही बताए, जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही है जाने में, तो भाई देखेंगे आगे इंशाल्लाह अच्छा ही रास्ता होगा, तो इंशाल्लाह आगे मिलेंगे कंटिन्यू। निकल रहे जी हम टनल से बाहर, ये पहुंच गए हम बनियाल साइड में, देख सकते हो गाइस, देखो गाइस कैसी व्यू है। पहुंच गए जी हम बनियाल, बनियाल रेलवे पे पहुंच गए हम भाई। ये अपने साबिर भाई की गाड़ी,
आजू भाई ठीक हो भाई? जाम बहुत ज्यादा है, आगे जाम बहुत ज्यादा है। ये अपने साबिर भाई, साबिर भाई, ये साबिर भाई है। साबिर भाई जाम बहुत लगा है, बहुत जाम है, बहुत जाम। देख सकते हो गाइस क्या व्यू है यहाँ पे, पीछे भी गाड़ी आ रही है और ये रमेश भाई की गाड़ी, अपने रमेश भाई की गाड़ी। देखो भाई क्या व्यू है, पीछे भी गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये पीछे अपने ऐसा ही रोड जब बनेगा जो पूरे जम्मू हाईवे में, तो अलग ही मजा आएगा चलने को। ऐसा ही रोड जम्मू पूरे जम्मू तक बनना चाहिए, तभी अच्छा अलग ही मजा आएगा। देख सकते हो ये अपना ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन, तो सब ड्राइवरों से यही गुजारिश है उनको सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट की जरूरत है बहुत यूनियन को। उनको हम सपोर्ट करेंगे तो तब हम भी आगे चल पाएंगे, जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उतना ये कामयाब होते जाएंगे। बाकी भाई देख सकते हो इधर बनियाल यार्ड में पड़ता है, तो भाई से गुजारिश है इनका सपोर्ट करो, यूनियन का फुल सपोर्ट करो सब, जितने भी ट्रक यूनियन ड्राइवर है। देख सकते हो भाई ये अपनी गाड़ी है, ये साइड से भी देख सकते हो। क्या जी हमने रामबन क्रॉस, तो जा रहे हैं हम रामबन से आगे चंद्रकोट की ओर। तो भाई बस आए उधर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये रोड खत्म, देख सकते हो गाइस रोड की क्या हालत है, बहुत ही आराम से चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि रोड की हालत ही ऐसी है। ऊपर से यहाँ पत्थर भी आते रहते हैं कंटिन्यू, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। देख सकते हो गाइस जनाब किया जी हमने रामबन क्रॉस, पहुंच गए हम चंद्रकोट, पहुंचने लगे बस थोड़ा ही है। तो जी रुके थे यहाँ पे थोड़ा पानी वानी लेते हैं, तो फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रहेगा। हमने सोचा यहाँ से पानी लेंगे, तो पानी लेके आ रहा है भाई, तो साबिर भाई की गाड़ी भी रुकी है इधर, पानी वानी ले रहे हैं, बस पानी लेके ही निकल जाएंगे इंशाल्लाह। भैया हमने पानी, वो निकल रहे हैं हम अपना सफ़र कंटिन्यू, वो साबिर भाई की गाड़ी भी आ रही है, तो जा रहे हैं हम भाई अपना सफ़र जम्मू का कंटिन्यू। बस जी चल रहे हैं हम चंद्रकोट के ओर, जल्द से जल्द ऐसा रोड बने तो हम भी थोड़ा आराम से चलेंगे। ये अपने साबिर भाई चल रहे हैं आगे आगे, तो ये पहुंच जा रहे हैं हम टनल में, पेड़ा की टनल जो नई बनी है उसमें।
लो जी फिर से जाम, ये तो टनल का जाम है, इधर से पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, टनल का जाम बहुत लगा हुआ है ज़्यादा, और पीछे भी गाड़ियाँ, और देखो भाई कहाँ से ओवरटेक में चल रहे हैं यार, अभी जगह ही नहीं है तो फिर भी ऐसे ही चल रहे हैं यार, इसी वजह से पूरा जाम लग जाता है। देखो भाई अपनी गाड़ी, अंदर का लुक गाड़ी का, ये गाड़ी अपनी थी 2019 में, इसको हमने सेल किया तब कुछ मजबूरी थी, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी थी, ये सबसे फेवरेट गाड़ी थी मेरी, ये 12 चक्का थी अपनी, निश्ताक भाई, इश्ताक भाई चैनल का नाम बोलो जी, अपने चैनल का नाम बोलो भाई, इश्तियाक व्लॉग जेके 11 वाला भाई, इसको सपोर्ट करो भाई को यार, अपना भाई है ये, अपना इश्ताक भाई है ये, हम अपने टनल के पास नीचे भी है तो पूरा जाम लगा हुआ है, तो आगे पस्सी भी थोड़ी आ रही है तो उस वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ी सिंगल जा रही है इस वजह से थोड़ा जाम लगा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ये रहा अपना राजा जो कि अभी इधर रेस्ट दिया राजा को, तो देखेंगे आगे इंशाल्लाह क्या होगा, तो आगे का भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको सारा। भाई जाम की वजह से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगता है, पीछे भी लगा था तो थोड़ा रामबन में हल्का ही जाम था, तो लगा हमें इंशाल्लाह आज जल्दी पहुँच जाएंगे, मगर इधर तो उससे ज़्यादा जाम मिला, पूरे टनल तक ऊपर जाम है, अभी हम बहुत ही नीचे है, ये देख सकते हो गाइस, वो देखो गाइस घर कहाँ कहाँ है, कहाँ रहते हैं लोग, चलो भाई ऊपर वाले ने हर किसी को अपनी अपनी जगह दी है, ये देख सकते हो जहाँ जहाँ लाइट दिखती है तो वो सब घर, वहाँ पे लोग रहते हैं जी। निकल गए हम उधमपुर से, तो आगे अपना सफ़र कंटिन्यू हो रहा है, बस भाई अभी खाने की तैयारी हो रही है अपनी, खाना वाना होके इंशाल्लाह आगे, साइड में गाड़ी आगे साबिर भाई वेट कर रहा है, तो उधर खाना वाना खा के ना देखेंगे इंशाल्लाह, या तो जम्मू शाम को ही जाएंगे या तो सुबह जाएंगे, तो बाकी भाई बस जी रुके हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पर खाना वाना खा के, क्योंकि रमेश भाई राजा राजा रमेश भाई पीछे हैं और दूसरा इश्ताक भाई भी पीछे है, तो वो भी आएंगे अपना खाना होके, तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे सफ़र कंटिन्यू रहेगा कि यहीं हम रेस्ट करेंगे आगे देखेंगे। और ये अपने साबिर भाई की गाड़ी है, ये साबिर भाई बैठा है गाड़ी में। हाँ समीर भाई क्या करना है, खाना खाना है इधर भाई, खाना इधर सोएंगे, फिर सुबह लेट हो जाएगा यार लोड करने के, 10 बजे आते हैं कंपनी वाले, 10 बजे आते हैं। अच्छा क्या करेंगे उधर जाके, फिर यहीं रेस्ट करेंगे है ना। ये अपने साबिर भाई और वो आकिब भाई जो मुंह छुपा रहे हैं, बहुत पड़ा है भाई कसम से, मुझे फील हो रहा है इतना पड़ा है, कसम से नहीं अल्लाह की कसम, मुझे सच में फील हो रहा है भाई, इसने इतना पड़ा बेचारे ने, इतना शरीफ बंदा है ना, कसम से मैंने ऐसा लड़का आज तक कभी नहीं देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, मगर भाई किस्मत किस्मत है इसकी, क्या करे ऊपर वाले ने इसने इसको रिज़्क इसी में रखा है भाई, कि कोई नौकरी नहीं है बेचारे की, तो भाई कहाँ तक पढ़ाया आपने भाई, ग्रेजुएशन। अच्छा क्या करे? अब आगे का क्या सोच रहे हो, आगे का आगे ये खड़ा है घोड़ा, लगाएंगे घोड़े 2-4। अच्छा गाड़ी चलाओगे, कोई नौकरी तो नहीं है भाई, तो अपना रोजगार इसी से चलाएंगे इंशाल्लाह। और रहते हो शुपियन में है आकिब भाई? भाई अगर देखा जाए ना हलाल की ये जो ट्रक ड्राइवरी का पैसा, सच में ये हलाल का है, इसमें मेहनत है, मेहनत है, खून पसीना, इसमें तो कोई हराम का पैसा नहीं मिलेगा ना, यही है ना। मैं और आकिब भाई अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, कसम से आपके बदले मुझे बहुत फील हो रहा है कसम से, जरा थोड़ा सा रो। और साबिर भाई बोल रहे हैं हम यहाँ खाना खाएंगे और यहाँ पर सो जाएंगे, सुबह आगे कंपनी वाले 10 बजे आते हैं, तो देखेंगे हम इंशाल्लाह कल हम अपनी गाड़ी लोड हो जाएगी तो इंशाल्लाह वापस, तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कल की कानवाई में वापस, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत है, 2 दिन से गाड़ी रोकी हुई है, तो हम भी देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा, इंशाल्लाह ठीक ही होगा, इंशाल्लाह कल अगर होगा जल्दी लोड तो इंशाल्लाह कल ही हम वापस जाएंगे। और जी ये अपना राजा यहाँ पे, इसको साइड में किया तो, और ये अपने राजा को यहाँ पे खड़ा किया, आप देख सकते हो भाई राजा की क्या हालत हो गई है, तो इंशाल्लाह देखेंगे सुबह अपनी गाड़ी की वॉशिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी फिर आपको वैसी ही मिलेगी इंशाल्लाह दोबारा,
क्योंकि आपको पता ही है भाई जम्मू की, जम्मू का रास्ता कैसा है, तो उधर ये सब होता है गाड़ी में यार, कोई टेंशन नहीं है। बाकी भाई को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये अपने राजा को हमने यहाँ पे पार्क किया इंशाल्लाह। चलो भाई ब्लॉग यहीं पे एंड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।